आज चर्चा की शुरुआत डायोजनीस से की जाएगी। गुरुदेव डायोजनीस के बारे में कई बार बताया करते थे। डायोजनीस के पिता एक बैंकर थे, उनका एक बैंक हुआ करता था और वो लोगों को पैसे दिया करते थे, राजा को भी पैसे दिया करते थे जरूरत पड़ने पर युद्ध के समय। तो एक बार उन पे आरोप लगा कि वो जो है नकली नोट छापते हैं, मतलब राजा की अनुमति के बिना। तो फिर मुकदमा चलता है और डायोजनीस के पिता जेल पहुंच जाते हैं। डायोजनीस चूंकि सीधे उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तो डायोजनीस भाग जाता है राज्य के बाहर, ऐसा लिखा मिलता है। सुकरात के एक साक्षात शिष्य थे, वो जब तक सुकरात जिंदा थे उनके पास वो रहते थे, उनका नाम था अरिस्टार्कस। आप समझिए एक आदमी था अरिस्टार्कस नाम का, वो सुकरात के पास रहते थे, सुकरात के साक्षात शिष्य थे। जब सुकरात की मृत्यु हुई, उनको जहर देकर के मार दिया गया, तो अरिस्टार्कस को सारी चीजों से घृणा हो गई, किताबों से, शास्त्रों से, बातचीत से, और वो एथेंस छोड़ करके नगरी के बाहर जंगल में रहने लगे थे। ये लड़का डायोजनीस उन्हीं के पास रहता था जो कि सुकरात के शिष्य जैसे थे उनके पास, और वो इनके यहाँ तो फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, दर्शन पढ़ाया जाता है, लेकिन अरिस्टार्कस इन सबसे मुक्त था। वो चुपचाप रहता, प्रकृति की गोद में रहता और कहता प्राकृतिक जीवन जियो। डायोजनीस जब उनके पास आया तो अपने गुरु के जैसा ही रहना शुरू कर दिया, और चूंकि इसके पिता एक बड़े आदमी थे, धनी आदमी थे, तो उसने धन वैभव देखा था, इसे सब चीज की जानकारी थी, लेकिन इसको समाज से घृणा हो गई थी, सभ्यता से घृणा हो गई थी। तो ये क्या करता था, जैसे इसके गुरु बताते थे वैसे रहता था ये, बिना किसी की परवाह किए, ना किसी को समझाना, ना किसी को अपनी योग्यता दिखाना, ना अपनी विद्वता दिखाना, कुछ नहीं। अरिस्टार्कस नाम था उनका, डायोजनीस के जो गुरु थे, और ये सुकरात के साक्षात शिष्य थे, उनके पास रह करके सीखे थे। जब सुकरात को मार दिया गया तो वो फिर एक ऐसे समाज ने जो अपने को सभ्य कहता था, 70 साल के एक बुजुर्ग को मार दिया, ऐसे आदमी को मार दिया, इससे मन में उनके घृणा भर गई। तो लोगों से दूर जाकर के एक जंगल में ही रहने लगे थे। इनके पास डायोजनीस रहता था और कहते हैं कि एक पुलिया थी, उसी पुलिया में पड़ा रहता था, और कपड़े वपड़े एकदम कुछ नहीं, नंग धड़ंग, और वो ठंडा मुल्क है, वहां ठंड पड़ती है। एक कुत्ता कहीं से मार खाया हुआ आ गया था तो डायोजनीस उसको भी खाना दे दिया करता था अपने साथ साथ। तो गुरु के मरने के बाद बस डायोजनीस बचा और उसका कुत्ता बचा, यही दोनों थे वहां पर। और ये कहता था आदमी से ज्यादा तो मैं कुत्ते से सीखता हूं, इन चिड़ियों से सीखता हूं, पक्षियों से सीखता हूं। ये आदमी जैसे घातक नहीं है कि मुंह पर मीठा मीठा बोलें और पीछे वार कर दें। तो डायोजनीस एंड हिज डॉग दे लिव टुगेदर। डायोजनीस अपने कुत्ते के साथ रहता था और मस्त रहता था। ऐसी ही किसी परिस्थिति में सिकंदर ने इनको देखा था, और चूंकि डायोजनीस एकदम मस्त रहता था, जब कोई निकले तो दूसरे लोग तो खड़े हो जाएं, परवाह करें कि भाई सेनापति जा रहा है, राजा जा रहा है, वो वैसे ही लेटा रहे। तो सिकंदर ने थोड़ा सा आश्चर्य से पूछा कि भाई ये कौन आदमी है, इसको इतना भी ढंग नहीं है। तो जब उससे पूछा गया तो उसने कहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं किसी से कुछ, मैं ऐसे ही मस्त हूं, ऐसे ही खुश हूं। तो सिकंदर ने कहा बताओ, वो घोड़े पर बैठा था, उसकी खोपड़ी पर खड़ा था, बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं।
तो उसने कहा तुम थोड़ा एक तरफ हट जाओ, ये रोशनी आने दो, जरा धूप लगने दो मुझे, ऐसा उसके बारे में लिखा मिलता है। पर ये कुछ चीज़ें निश्चित हैं कि बहुत प्राकृतिक ढंग से रहता था। मैंने कहीं पढ़ा है किताब में कि एक लोहे का खंभा था, गर्मी में जाकर के डायरियों से चिपक जाता था, गरम गरम खंभा और वो खुद गरम गरम, कहता था अभ्यास कर रहा हूँ सहने की शक्ति अर्जित कर रहा हूँ, और जब बहुत ठंड पड़ती तब भी कभी कभी वह खंभे से लिपट जाता था, ठंडी सहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से डायोजनीस के बारे में लिखा मिलता है, वह आदमियों से घृणा करता था और प्राकृतिक ढंग से रहता था, किसी को सिखाना पढ़ाना इन सब से मुक्त था। तो चूंकि वो एक फकीर जैसा कह सकते हैं, उसने किसी को शिक्षा नहीं दी, किसी को शिष्यता नहीं, कुछ नहीं, अपनी मस्ती में जिया, लेकिन चूंकि सिकंदर के साथ उसका एक वार्तालाप जुड़ा हुआ है, इसलिए डायोजनीस के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया है। ये जो इनका समय है ये 300 ईसा पूर्व के आसपास का है, 300 ईसा पूर्व के आसपास, और लोहा इसके पहले ही आ चुका था, क्योंकि जब सिकंदर वहां से आए थे तो घोड़ों पर बैठकर आए थे और तलवार लेकर के आए थे, तो लोहे की खोज हो चुकी थी। और अरस्तु के बाद आज जो शुरू करना है आर्य या वैदिक कल्चर, लेकिन थोड़ा सा और समय है, थोड़ा अरस्तु को सुन लें एक बार। डायोजनीस के बारे में लिखना चाहेंगे तो लिख लें, पूरा नाम लिखिए डायोजनीस। गुरुजी डायोजनीस कहा करते थे, गुरुजी जा नहीं बोला करते थे, लेकिन ये नाम है उनका डायोजनीस। लिखें, सुकरात के साक्षात शिष्य अरिस्टार्कस डायोजनीस के गुरु थे। डायोजनीस एक समृद्ध परिवार से था, किंतु कारणवश राज्य की सीमा के बाहर वह अकेले जिया करता था। वह किसी को रहता था, वह किसी को समझाने बुझाने में नहीं पड़ता था, और मस्त फक्कड़ की तरह जीता था। वह प्राकृतिक जीवन जीता था, वह सभ्यता का दिखावा नहीं करता था, वह सभ्य होने का दिखावा नहीं करता था। उसके साथ एक कुत्ता रहता था जिससे वह अपना व्यवहार करना सीखता था। सिकंदर ने डायोजनीस को देखा था, और उसकी मस्तानगी से प्रभावित हुआ था। अगली हेडिंग अरस्तु। अरे फक्कड़ बाबा का क्या जन्म है।
अरस्तु का जन्म 384 से और 322 जीवन 384 उनका जन्म और 322 में उनका शरीर छूटा। इसको ऐसे लिख लेंगे, ये जो लिखा हुआ ना बीसी, इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पूर्व। अरस्तु जब 17 साल का था, अरस्तु का पिता राजा का वैद्य हुआ करता था, फिजिशियन, उसका डॉक्टर। तो सीधे राज परिवार से तो नहीं आता है, लेकिन उसका पिता राजा का वैद्य हुआ करता था। 17 साल की उम्र में युवा अरस्तु को प्लेटो की एकेडमी में पढ़ने के लिए भेजा गया। जानकारी है एकेडमी की शुभेन? क्या क्या जानकारी है? हाँ, प्लेटो जो कि शिक्षा देने का काम करते थे, तो उन्होंने एक विश्वविद्यालय जैसा खोल रखा था, उसे एकेडमी कहते हैं। वहां पर पढ़ने के लिए दूर दूर से बच्चे जाते थे। तो 17 साल का अरस्तु प्लेटो की एकेडमी में पढ़ने के लिए गया और 20 वर्षों तक अरस्तु प्लेटो के यहां पढ़ाई किया, पढ़ाई भी करता था और पढ़ाता भी था। 20 साल बाद प्लेटो मर गए, उनका शरीर छूट गया। तो अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया, विश्वविद्यालय छोड़ दिया। वहीं पर उनका एक साथी था जो पढ़ता था, वो एक राजा हो गया था, तो उसने अपने यहां बुला लिया, हमारे यहां आओ तुर्की के पास। तो गया और 3 साल अपने उस राजा मित्र के यहां रहा। वो पढ़ने पढ़ाने का काम अरस्तु ने जीवन भर किया। अरस्तु के जितना विद्वान आदमी यूनान में और कोई नहीं हुआ। जो उसका गुरु था प्लेटो, और प्लेटो का जो गुरु सुकरात, वो सब भी विद्वता में अरस्तु के सामने फीके पड़े हैं। इस आदमी का इतना प्रभाव है यूरोप के दर्शन में, विज्ञान में, कॉस्मोलॉजी, सब जगहों पर इस आदमी ने कुछ ना कुछ जरूर कहा है। गणित पे कहा है, तर्क पे कहा है, सौंदर्य शास्त्र पर कहा है। आप नाम लें और इस आदमी का के वचन मिल जाएंगे। तो ये पढ़ने पढ़ाने का काम ये वहां भी करता था। 3 साल के बाद जिस राजा मित्र के यहां गया था, वो राजा भी मर गया, तो उसने वो जगह छोड़ दी। ये वापस आया और उसी विश्वविद्यालय में फिर गया जहां ये पढ़ा था। वहां ये कुछ समय फिर रहा, फिर पढ़ाता था, फिर करता था। उसी समय मकदूनिया के राजा फिलिप ने बुलाया इसको। अरे मेरा लड़का थोड़ा उजड्ड है, मानता नहीं, सुनता नहीं, आप आएंगे? तो फिलिप ने इसको अपने 13-14 साल के बच्चे को पढ़ाने के लिए बुला भेजा। वही सिकंदर था, 13-14 साल का लड़का। तो ज्यादा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन 3-4 साल इतिहासकार कहते हैं कि अरस्तु ने 3-4 साल तक सिकंदर को पढ़ाया, समझाया। उसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई और सिकंदर फिर से लड़ाइयों में उलझ गया। और जब सिकंदर लड़ाई लड़ रहा था, भारत जीत करके वापस गया, तो उसी समय
322 ईसा पूर्व में अरस्तु की डेथ हो जाती है। सिकंदर मरा और यह सिकंदर का गुरु था, गुरु तो नहीं कह सकते, शिक्षक था। अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा दी थी और सिकंदर मर गया 300 के कुछ आसपास। क्या है, मैं पुस्तकों में देखता था कि सिकंदर कब की डेथ कब हुई, तो उसमें दो तरीके का जवाब आता है। एक 323 ईसा पूर्व आता है और कहीं 319 ईसा पूर्व आता है। भारत में 326 से 325 तक रहा, इसके बाद वो लगभग 10 जगहों पर और विजय पाया है, 10 जगहों पर उसने हमला किया है, उनको हराया है, मर्दित किया है, तब आगे बढ़ा, 10 जगह तक करते हुए आगे पहुंचा है बेबीलोनिया। तो अगर उसको भारत आने में 10 साल लगते हैं तो भारत से वापस जाने में भी तो कुछ साल लगेंगे। तो मुझे लगता है कि वो 319 में वो मरा है, क्योंकि कुछ जगह 319 लिखा हुआ दिखता है, कुछ कुछ जगहों पर 322 भी दिखा देते हैं। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं सिकंदर की मृत्यु हुई और उसकी खबर उसके राज्य में पहुंची तो वहां पर विद्रोह हो गया। जो लोग सिकंदर के विरोधी थे वो एकदम ताव में आ गए कि अरे अब तो सिकंदर मर गया। तो जो जो सिकंदर के संबंधित मित्र लोग थे उन सबसे वो बदला लेने लग गए, क्योंकि राजा तो अब रहा नहीं, तो जो विरोधी लोग थे वो बदला लेने के लिए तैयारी करने लग गए। अरस्तु ऐसी स्थिति में एथेंस छोड़ दिया और फिर बाहर चला गया, वहीं पर एक गुमनामी की मौत मरा। गुमनामी का मतलब जहां जो जगह आपकी कर्म भूमि रही है, जहां जीवन भर आप बताए हैं समझाए हैं, वो जगह आप छोड़ जाएं और किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां आपको कोई बहुत जानता ना हो, तो गुमनामी की ही मौत कही जाएगी। तो अरस्तु इस तरीके से राज्य छोड़ करके गए और उनका शरीर छूटा है। अरस्तु ने अपनी एक एकेडमी शुरुआत की थी, मैं बताना रह गया। अरस्तु ने अपनी एक एकेडमी शुरू की थी, जैसे प्लेटो की एकेडमी थी वैसे ही अरस्तु ने एक एकेडमी चालू की थी। और ये भी वही काम करते थे जिनके गुरु करते थे। और विषय कितने थे, ऐसा कोई विषय नहीं था जो इनकी एकेडमी में ना पढ़ाया जाता रहा हो। इनके बहुत से मित्र थे, इनके शिष्य थे और पूरी परंपरा थी। लेकिन हमारे काम की चीज क्या है इसमें, तो धर्म पर या नैतिकता पर अरस्तु ने कहा है, जैसा सुकरात ने कहा, जैसा प्लेटो ने कहा, वैसा ही अरस्तु ने कहा है। उसके अलावा इन्होंने बाकी की चीजों पर बहुत कहा है, विज्ञान पे कहा है, जीव विज्ञान पे कहा है, भौतिक विज्ञान पर कहा है। तो इनके जैसी प्रतिभा का आदमी मिलना कठिन है। अब थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, ये देखें इसको, ये क्या लिखा है धनेन्द्र, क्या लिखा है गणेश, क्या लिखा है जोर से बोलो। हाँ जोर से बोलो, वहां तक सुनाई पड़े। ये टॉलमी लिखा है, पी को नहीं बोला जाएगा, इसको टी ओ एल एम वाई क्यों बोला जाएगा, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। ये नाम है टॉलमी। ये आदमी उसी समय हुआ, यह खगोल शास्त्री था। टॉलमी एक खगोल शास्त्री था, पी नहीं बोला जाएगा, पी से थोड़ा सा द्वेष है इसलिए पी का नाम नहीं लेंगे। चाहे
ये बात सही है, जब पढ़ना ही नहीं है तो इसका नाम क्यों लिखें, तो मिटा दें क्या? टॉलमी खगोलविद था। खगोल का मतलब होता है जो आकाश में नक्षत्र हैं, तारे हैं, उनका वो अध्ययन करता था। ये इतना बड़ा नाम है, इसने जो चीज कह दी आकाश के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, इसकी बात को किसी ने काटा नहीं, और इसी की बात बाइबिल में लिख दी गई और वो ईश्वरीय वचन मान ली गई। टॉलमी ने क्या कहा? टॉलमी ने कहा जो बाइबिल में लिखा है वो टॉलमी के वचन हैं कि पृथ्वी बीच में है और पृथ्वी के चारों तरफ सूरज घूमता है। ये बात टॉलमी ने सबसे पहले कही थी और इस बात को इन सब ने माना, अरस्तु ने माना, प्लेटो ने माना, और 2000 वर्षों तक इसकी बात को काटने वाला कोई नहीं था। जिसने इसकी बात का विरोध किया उसे मार दिया गया। ये इतना बड़ा नाम आता है टॉलमी। इसी की बात को इन लोगों ने भी लिखा था। ये बात इसलिए बतानी पड़ गई कि अरस्तु ने भी यही कहा है कि पृथ्वी बीचों बीच है और सूरज चारों तरफ उसके चक्कर लगाता है। ये उल्टी बात है ना? उल्टी बात। निर्मल पता है आपको? नहीं पता है? नहीं पता। दादू पता है कुछ? पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, सूरज पृथ्वी चारों तरफ घूमता है, कि कोई कहीं नहीं घूमता है, सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं? पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, सूरज चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। ये बात कहने में 2000 साल लग गए। कोपरनिकस ने कहा और बहुत लड़ाई हुई, बहुतों को मारा गया इस बीच। कहने का आशय यह है, अरस्तु का जो नाम लिया बहुत जगह वो एकदम सही है, लेकिन कई जगहों पर वो गलत भी हैं, लेकिन उनकी बात को काटने का दम फिर किसी में नहीं था। तो इस नाम की जरूरत नहीं है, इसको हटा दें, ये सब हटा दें, और थोड़ा सा जो कुछ लिखना हो उनके बारे में लिख लें। अरस्तु, देखिए अरस्तु को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ये है अरस्तु। स्पेलिंग क्या है? ARISTOTLE। इसको लिखेंगे अरिस्टोटल। इंग्लिश में नाम जाएगा अरिस्टोटल और हिंदी में जाता है अरस्तु। तो हिंदी वाला सरल है कि अंग्रेजी वाला सरल है? अरिस्टोटल, और हिंदी में हमारे यहां ये नाम चलता है अरस्तु। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा लिख करके बस इसको खत्म कर देंगे। उनकी उम्र लिख, जीवन काल लिख ले उनका, 384 ईसा पूर्व से 322। लिखें, अरस्तु के पिता राज वैद्य थे। राज वैद्य थे। 17 वर्ष की उम्र में अरस्तु को एथेंस में, एथेंस नगरी में
प्लेटो प्लेटो की एकेडमी में पढ़ने गया। अगले 20 वर्षों तक अस्तु को लिखे थे, पढ़े भेजा गया होगा। हाँ, अस्तु पढ़ने के को हटा दें। अगले 20 वर्षों तक वह एकेडमी में पढ़ते पढ़ाते रहे। 347 ईसा पूर्व जब प्लेटो मरे तब अरस्तु एकेडमी छोड़कर बाहर चला गया। हाँ, वो एकेडमी के बाहर सब तुर्की चला आया था वो। हाँ, यूनान छोड़ दिया, लिख लें, यूनान छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद मकदूनिया के राजा फिलिप ने अपने 14 वर्षीय पुत्र सिकंदर को पढ़ाने के लिए उन्हें बुला भेजा। अरस्तु ने सिकंदर के मन में विश्व विजय पर निकलने की भावना भरी। सिकंदर और अरस्तु का मात्र 4 वर्षों का संबंध रहा है। सिकंदर और अरस्तु का सिकंदर इसके बाद विश्व विजय पर निकल गया। 13-4, इसमें 13 लिखा है, 13-4-17। हाँ, सही। नहीं, सिकंदर वहां नहीं है, वो तो 20 साल तक वहां रहा और पढ़ा पढ़ाया। कौन? सिकंदर। हाँ, जब इनको बुलाया था अरस्तु को, सिकंदर 13 साल, 13-14 साल। हाँ, विश्व विजय के लिए निकल गया। और क्या लिखा है अंतिम वाक्य? निकल गया और अरस्तु ने अपनी एकेडमी खोल ली। खोल ली उसके बाद सिकंदर विश्व विजय पर निकल गया और अरस्तु ने अपनी एकेडमी खोल ली।
अरस्तु ने योग्यता में अपने गुरु प्लेटो तथा दादा गुरु सुकरात को भी पीछे छोड़ दिया था। अरस्तु ने योग्यता में अपने गुरु प्लेटो तथा दादा गुरु सुकरात को भी पीछे छोड़ दिया था। यूरोप में सर्वाधिक प्रभाव किसी चिंतक का है तो वह अरस्तु हैं। मैं आशा करता हूं कि लिख लिए होंगे आप। देखिए, हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इन सबको बोलने का कोई तुक बनता नहीं है, सही बताऊं तो, क्योंकि हम भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय इतिहास जो शुरुआत होती है वो सिकंदर के हमले से होती है और सिकंदर का प्रभाव भारत में था, तो सिकंदर पर भी तो कुछ लोगों का प्रभाव था। और चूंकि वहां पर सुकरात की चर्चा है इसलिए लोभवश मैंने सुकरात और प्लेटो की भी चर्चा कर दी, अन्यथा यूनान में जाने की हमें आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि वो इतिहास कम और उसमें दर्शन और विज्ञान की बात ज़्यादा है इसलिए वहाँ के बारे में थोड़ी चर्चा कर दिया है। अब ये चीज़ पूरी होती है, अब कायदे से भारतीय दर्शन या भारतीय इतिहास फिर से शुरू होगा। तो यूनानी दर्शन के बाद मैंने यूनानी इतिहास के बाद लिखा था, याद है क्या लिखा था? वैदिक। क्या लिखा है? वैदिक, वैदिक ऋषि। इसके पहले जो हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी थी उसका समय क्या था रामेश्वर साहब? सिंधु घाटी की जो सभ्यता हमने पढ़ी थी उसका समय क्या है? दीपेंद्र साहब, क्या समय है, क्या क्या उसका काल क्या है, किस टाइम पर है वो? करमचंद साहब, ईसा से 2000 साल पहले खत्म हो चुकी थी। चूड़ामणि साहब, सिंधु घाटी का समय क्या, हड़प्पा का समय क्या है? 800 ईसा पूर्व। कुछ पता है साहब? मैं लिख नहीं पाता। लिख नहीं पाते हैं, जल्दी जल्दी बोलता हूँ। तो धीरे बोलना चाहिए, आप लोग बताएं और कौन नहीं लिख पाते हैं? अरे
अब आप तो हमें परेशान करी हो। मैं आपसे बताऊं कैसे पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालयों में। हमारे एक प्रोफेसर यहाँ आए हुए हैं, डीएन द्विवेदी साहब। तो डीएन द्विवेदी हमको दर्शन पढ़ाया करते थे, तो कोट टाई लगा करके आते थे, कुर्सी मेज रखी रहती थी, कुर्सी में बैठ जाते थे, रजिस्टर खोलते थे और जितने छात्र हैं नाम बोलते थे, ऊपर नहीं देखते थे, फलाने फलाने यस सर, फलाने यस सर, दो मिनट लगता था, रजिस्टर बंद कर दें और आ करके कुर्सी छोड़ दें और खड़े हो जाएं, और ऐसे खड़े हो जाएं। और वो अंग्रेजी की क्लास होती थी, दर्शन में अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो जब उनको खांसी भी आती थी तो ऐसा नहीं बोलते, सॉरी सॉरी ऐसे बोलते थे। और वो 55 मिनट का एक पीरियड होता था, 55 मिनट वो लगातार बोलते जाते थे। और हम लोग जो है दो पेन चालू रखते थे और बस लिखते जाते थे, लिखते जाते, लिखते जाते, वो बोलते जाते थे, हम लिखते जाते थे। उनसे कोई कह नहीं सकता था कि सर ये छूट गया, या धीरे बोलिए, या सर फिर से बोलिए सर, ऐसे नहीं कह सकते थे। वो बोलते जाते थे और 55 मिनट तक हम लिखते जाते, सांस 55 मिनट के बाद लेते थे। और यहां तो मैं कितना धीरे धीरे बोलता हूं, रुक जाता हूं। तो जब मैं पहले भी कुछ बोलता करूं तो उसको भी लिख लिया कीजिए, और जब फिर से बोलता हूं तो उसको लिखे ही लिखे। इतना क्या कम है? देखें, इसको सुने, ईसा से इधर देखें, ईसा से 2000 साल आज हम जी रहे हैं, है ना? ईसा से 2000 वर्ष आगे आज हम जी रहे हैं, और ईसा से 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज से 4000 वर्ष पहले की एक सभ्यता की बात कर रहे हैं। आज से ये है 2021, 2021 साल पहले ईसा मारे गए थे, जन्म लिए थे, जो भी कहा जा सकता है। और ईसा का जन्म यहां है, यहां से 2021 साल हम इधर हैं, और इससे 2000 साल पहले ईसा सभ्यता, सिंधु सभ्यता है। तो आज से कितने साल हो गए? आज से सिंधु घाटी सभ्यता को लुप्त हुए 4000 वर्ष हो गए। इस संस्कृति की बात करें, 4000 साल पहले ये कैसे खत्म हुई, इसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। लेकिन इसके जो अवशेष हैं वो बताते हैं कि सभ्यता गजब की सभ्यता थी। कैसे खत्म हो गई, मैंने सिर्फ इतना बताया, इतना कहा, इतना निवेदन किया कि सिंधु घाटी, सिंधु नदी अपना रास्ता बदलती गई, और वैसे वैसे इस सभ्यता के लोग वहां उस जगह को छोड़ते चले गए। इस पर और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात यह कही जाती है कि आर्य लोग आए थे, आर्यों ने आकर के इस सिंधु नदी के दोनों तटों पर जो लोग थे उनको मार दिया, खत्म कर दिया, उनका कोई नाम लेवा नहीं रह गया। और यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसमें नगर थे गांव के साथ साथ, तो यह नगरीय सभ्यता खत्म हो गई, एकदम खत्म हो गई। यह घटना है ईसा से 2000 साल पहले की। और हमारे जो वैदिक ऋषियों का जो समय आता है उसमें जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो कौन सा है?
ये ग्रंथ आता है ऋग्वेद, यह आर्यों का आदि ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है। और इसका समय क्या है? डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ऋग्वेद का जो समय है कितना लिखा है, 1500 ईसा पूर्व। और सिंधु घाटी सभ्यता कब खत्म हुई है? 2000 ईसा पूर्व। तो कहने वाले ये कहते हैं कि सिंधु घाटी को जिन लोगों ने खत्म किया उन्हीं लोगों ने ऋग्वेद रचा। 2000 साल पहले इनको खत्म किया और लगभग 1500 ईसा पूर्व 500 वर्षों के बाद ही ऋग्वेद रचा गया। ऋग्वेद में आर्य शब्द आया है, क्या नाम उसका, अरुण कमरे में जाओ और वो कहां रखा है वो ले आओ, नक्शा ले आओ जो लाए थे आप, वहीं बाहर टंगा है सुपास साहब के रूम के सामने। ये जो आर्य शब्द है ये पहली बार ऋग्वेद में आया, इसके पहले आर्य शब्द नहीं आया। तो इन लोगों को, जिन लोगों ने ऋग्वेद रचा उनको आर्य कह दिया गया कि ये आर्य लोग थे, इन्हीं लोगों ने सिंधु घाटी को खत्म किया और इन्हीं लोगों ने वेदों का रचना काल और बाकी की चीजें शुरू की हैं, इस तरीके से बताया जाता है। कितना सच है ये नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति भी हुए थे, पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति, और अच्छे अध्येता थे, अच्छे पढ़ने वाले थे वो। देखें ऋग्वेद कहाँ बना, किस जगह बना, भारत का ये जो लगा हुआ हिस्सा है जो पाकिस्तान कहते हैं, जिसे अफगानिस्तान कहते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस हिस्से को ऋग्वेद की भूमि कहा जाता है। कैसे कहेंगे, वहां की नदियों के नाम ऋग्वेद में है, वहां की जगहों का नाम ऋग्वेद में आता है। इसलिए इस हिस्से को जिसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान कहते हैं, इस हिस्से में ऋग्वेद रचा गया। और कौन लोग थे, ये पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, इसी के बगल में ईरान पड़ता है, ईरान वहां से दूर है नहीं दिखेगा, यहां ईरान पड़ता है। ईरान और हिंदुस्तान, इन दोनों की संस्कृति एकदम एक जैसी, जैसे दो बहनें हों वैसे हुआ करती थी। भाषा बहुत एक दूसरे के नजदीक, अग्नि, अग्नि की पूजा दोनों में चलती है। इसीलिए ईरान में जब मुसलमान आए तो ईरानी लोग भाग करके जहाजों में चढ़ करके हिंदुस्तान के इस हिस्से में आ गए, जिन्हें फारसी कहा जाता है। ईरान का पुराना नाम फारस है, फारस। तो हिंदुस्तान और ईरान, इन दोनों की जो मिली जुली जगह है वहीं पर ऋग्वेद का जन्म होता है। और बार बार लिखा मिलता है सप्त सिंधवा, सप्त मतलब सात, सिंधवा नदी। सिंधु नदी की इतनी विशेषता है कि वह अन्य नदियों का भी नाम अपने में समा ली है, सप्त सिंधवा, सात नदियां। तो सात नदियां कौन कौन सी हैं, तो पांच नदियां तो जो पंजाबी वाली है ही है, पांच पंचाब, उसमें सिंधु को भी जोड़ देते हैं और सरस्वती को भी जोड़ देते हैं।
ये मिल करके सात नदियां होती हैं। इन्हीं सात नदियों में यह ऋग्वेद रचा गया है। वो क्या है कि हिंदू कुश पर्वत पड़ता है, हिंदू कुश पर्वत ये अफगानिस्तान में हिमालय से आगे बढ़ करके यहां पर सरस्वती नदी है। वो सरस्वती भारत की तरफ आती है और ये राजस्थान के डेजर्ट में लुप्त हो गई है। इतिहासकार कहते हैं कि वह जो जिसको हम सरस्वती नदी कहते हैं उसको पहले घग्घर भी कहते हैं। अगर आप नेट पे देखेंगे उसमें गूगल में तो घग्घर दिखाएगा, घग्घर हाकरा। तो ये घग्घर ये जाकर के राजस्थान में लुप्त हो गई है, अब नहीं मिलती है नदी। तो सिंधु नदी और सिंधु के साथ ये जो बाकी की नदियां हैं यही है ऋग्वेद की जननी। जितना महत्व आज के समय में गंगा और जमुना के दुआब का है वही महत्व पहले ये सिंधु नदी का था। और वेदों में सिंधु की इतनी महिमा है, इतनी चर्चा है, इसका मतलब है कि वो वहीं की है। वो तो वो लोग भी वहीं के थे। और ये लोग कहाँ के थे इनके बारे में कहते हैं कि ये जो आर्य लोग थे इनका जो रंग था वो गेहूं और गोरा रंग था। इनकी नाक नुकीली और तीखी हुआ करती थी। ये गोरे गोरे होते थे। लड़ने झगड़ने में ज्यादा कुशल, घोड़ों पर इनका अद्भुत कंट्रोल होता था। वेद में गाय की चर्चा है, बैल की चर्चा है, लेकिन इनसे ज्यादा अश्व की चर्चा है। इतिहासकारों ने लिखा है कि 215 बार ऋग्वेद में अश्व नाम आता है, 170 बार वृषभ नाम आता है और 175 के आसपास गौ शब्द का नाम आता है। तो गौ कीमती थी, वृषभ कीमती था। वृषभ माने बकरी, वृषभ माने बैल। वृषभ संस्कृत का शब्द है, वृषभ अंग्रेजी में इसको बुल कहते हैं, बैल। वृषभ की चर्चा है, गाय की चर्चा है, गऊ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है अश्व की। और ये जो संस्कृति है ऋग्वेद की संस्कृति है, अभी हिरेन साहब कहे डायोजनीस के समय में लोहे की खोज हो गई थी, डायोजनीस के समय में हो गई थी, लेकिन जो ऋग्वेद का समय है 1500 ईसा पूर्व, इसमें लोहे की शुरुआत भर हुई थी और कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, तांबा, तांबा और ब्रोंज मतलब कांसा, तांबे और कांसे की संस्कृति थी उस समय जब यह ऋग्वेद लिखा गया। लोहा का उतना प्रचलन नहीं हुआ था। इनके जो हथियार हुआ करते थे वो बहुत इतने मजबूत नहीं होते थे, लेकिन लोहा आना शुरू हो गया था। लेकिन ये जो ऋग्वेद का टाइम है ये कॉपर और ब्रोंज, तांबा और कांसा, ये उस समय की संस्कृति है जब लोहा नहीं आया था। ये जो इंद्र का वज्र की चर्चा होती है, इंद्र के पास वज्र था, तो ये वज्र मतलब बहुत मजबूत। तो इतिहासकार कहते हैं वो लोहा था, लोहा, लोहा उसको मिल गया था तो उसके हथियार बहुत मजबूत हो गए थे। उसके पहले के लोगों के जो हथियार हुआ करते थे वो तांबे और कांसे के होते थे, उतने मजबूत नहीं होते थे। लेकिन जब उसको वज्र मिला, जिसको वज्र कहा गया, वही है लोहा। तो थोड़ी सी चीजें लिख, अब नहीं लिखे, अब खत्म। ऋग्वेद के बारे में कुछ चीजें हैं, ये कहाँ बना, क्या है, अब ये थोड़ा थोड़ा करके शुरू करेंगे। लिख लें इसको, अंतिम लिख लें, गौ शब्द ऋग्वेद में 176 बार आया है।
वृषभ बैल नहीं आया, वृषभ। वृषभ 170 बार और अश्व 215 बार। एक चीज और लिख लें फिर आगे से शुरू करेंगे इसमें कल। ऋग्वेद में अफगानिस्तान तथा पंजाब की नदियों का वर्णन है, झेलम झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु, स्वात। ये अफगानिस्तान में है स्वात सर जी, सतद्रु। हाँ सतद्रु, वो नाम लिखा है सतद्रु है, विपासा है, परसुणी है, अस्किनी है, वितस्ता है, लेकिन पुराने नाम है ये, लेकिन कल लिखवा देंगे। गजब की बात ये है, इसको मैं पढ़ता था तो मैं सोच रहा था आज जो स्थिति है वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, आज जो स्थिति है वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ और जो पहले की स्थिति है वो बता रहा हूँ। 4000 साल पहले जो था वो बता रहा हूँ और आज जो है वो नहीं बता पा रहा हूँ। जो आज है उसके लिए पहले की स्थिति व्यर्थ है, लेकिन हम चूंकि इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में पहले का ही पढ़ते हैं, भविष्य नहीं पढ़ सकते, अतीत ही पढ़ते हैं। और जब कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इन जगहों की दशा ऐसे हो गई है, दरिद्रता और भिखारिता दोनों से ढक कर के रोती हैं इन दोनों जगहों पर। हाँ 2000 वर्ष अगर पहले पहुंच जाए तो उनके लिए स्वर्णिम काल है, लेकिन इनकी स्थिति इस समय बहुत पुअर है, बहुत खराब है। लेकिन हम जहाँ की पढ़ रहे हैं वहाँ वहाँ ऋग्वेद की शुरुआत अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन्हीं दोनों बेल्ट में ईरान के सहयोग से हुई है।